bottleneck analysis and throughput time reduction, these are the two important topics. So we will discuss in the same time jab hum log throughput time reduction ke bare mein analysis ke bare mein baat karenge, the bottleneck machine kya hai, why they are called bottleneck, isko define karenge. Just shuruaati taur pe ek bottleneck ka ek example dete hain. Jin log bhosari ki taraf jaate hain, nasik phata ki taraf jaate hain from pune city, इनको पता है कि पहले वो हैरिस ब्रिज एक बॉटलनेक था. कैसे पता चलेगा बॉटलनेक? बॉटल का जो नेक है वो सबसे नैरो पोर्शन है. मतलब अगर वो उसका डायमीटर वाज एज बिग एज द मेन इन अ बॉटल तो पानी इमीडिएटली पोर हो जाता, बाहर आ जाता. लेकिन बॉटल नेक की वजह से पानी उतना जोर से बाहर नहीं निकल पाता है. वो बॉटल का नेक जितना अलाउ करता है उतना ही पानी निकलता है. तो सिमिलरली पहले हैरिस ब्रिज वाज अ बॉटलनेक. तो उसके बाद उसको डी बॉटलनेक करने के लिए रास्ता और एक बनाया गया है, दैट इज अनदर ब्रिज. एंड नाउ आई थिंक इन पुणे दैट इज एटलीस्ट वन एरिया दैट इज एब्सोल्युटली डी बॉटलनेक, माने कोई बॉटलनेक नहीं है. तो फ्रॉम द सेम एंगल हमें भी फैक्ट्री में देखना है कि हमारा हमारे प्रोडक्शन के लिए बॉटल नेक कौन सी मशीन है और कौन सी मशीन्स हैं. नॉर्मली हमें वो समझ ही नहीं रहता है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग ऐसे रहता है, हम कभी भी कोई भी मशीन को अनयूटिलाइज देखना नहीं चाहते हैं. तो ऐसा ही है, हमारा हैबिट हो गया कि अगर कोई भी मशीन अनयूटिलाइज है उसको काम शुरू करो, काम शुरू करो, कुछ ना कुछ जॉब एलोकेट करना है. दैट इज व्हाट इज आवर पर्पस. क्योंकि वी आर अफ्रेड दैट इफ द सीईओ टेक्स अराउंड एंड देन सीईओ थिंक्स दैट दिस मशीन इज नॉट गेटिंग लोडेड, सो मे बी कुछ मॉनेटरी लॉस हो रहा है. एक्चुअली उल्टा होता है. सो आई विल टेल यू दैट हाउ टू रियली फाइंड आउट ए बॉटलनेक मशीन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थ्रूपुट टाइम रिडक्शन, उसके बाद वैल्यू क्या है, वैल्यू स्ट्रीम क्या है, नॉन वैल्यू एड क्या है, ये भी एक ही साथ में समझेंगे. तो एजेंडा क्या है इसमें, हम लोग थोड़े डेफिनेशन को पहले समझेंगे. सो आराम से सुनिएगा दोज यू नो हु हैव कम टू अटेंड टुडेस प्रोग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा अगर सवाल भी है आप कर सकते हो. लीड टाइम क्या है, maybe when I ask you to ask question, that time you can store your question, otherwise forward your question to on the in the chat box. Throughput time, lead time, tack time, TAKT tack, how, what is bottleneck, identification and elimination of bottleneck, uska procedure kya hai, bottleneck monitoring and throughput time reduction. Pehle terminology ke upar thoda dhyan dete hain. So for the terminology related to the throughput time analysis. Okay. So terminology related to throughput time analysis, isme pehle main aapko ek example share karta hu of lead time, cycle time and tack time. Ye ek kapun ka ice cream vendor wala hai jo बच्चों को, आपने देखा होगा इंडिया में ये काफी होता है, मैं बाहर भी देखा है, बहुत पॉपुलर है एक्चुअली. तो पर्टिकुलरली कोई भी मेले में इन लोग आ जाते हैं. तो ये यू नो इंडिया का मेन स्ट्रीम का एक हिस्सा है. तो कापकोन आइसक्रीम वेंडर का एग्जांपल है. टाइम टू अंडरस्टैंड, पहले वो हम लोग थोड़ा नजर से देखते हैं कि ये कापकोन आइसक्रीम वाले जब आइसक्रीम देते हैं बच्चे को तो क्या करते हैं. पहले तो उनका जो ढक्कन है ये हमेशा बंद रहता है, क्योंकि ढक्कन आप बंद नहीं रखोगे तो आइसक्रीम सारे पिघल जाए. तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट. तो ईच टाइम वो आइसक्रीम दे रहे हैं तो ढक्कन खोल के ही देते हैं. ठीक है, तो हम लोग कोई भी थ्रूपुट टाइम एनालिसिस के लिए, लीड टाइम, थ्रूपुट टाइम, साइकिल टाइम, ये सब एनालिसिस के टाइम में हम लोग ध्यान से देखते हैं इसके पीछे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. तो स्टेप्स क्या क्या है, टाइम टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स,
ये पहला पॉइंट है, मतलब बच्चों से बात करके उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, कौन सी फ्लेवर, कौन सी आइसक्रीम, आपके जेब में कितने पैसे है, वो उससे क्या मिलेगा। देयर आर चिल्ड्रेन हु विल ओनली कम एंड से दैट ये रुपया में कितना क्या मिलेगा हमें, ओके तो कितना स्कूप आइसक्रीम मिल जाता है, तो दैट टेक्स सम टाइम एक्चुअली। तो समबडी मे बी कमिंग अलोंग विद देयर ग्रुप्स ऑल्सो, इट इज क्वाइट ए हिलेरियस प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उसके बाद आइसक्रीम वाला एक बार समझ लेते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं, ढक्कन खोलते हैं, अपना जो कोन है उसको सर्च करते हैं, अगर उनका 2S अच्छा है तो ये कोन सर्चिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर वो स्कूप करते हैं। स्कूपिंग में सो आइसक्रीम तो ठीक है, अपने जगह में है, कोन बड़ा वाला कोन, छोटा वाला कोन या कप, ठीक है, फिर स्कूपिंग करते हैं, तो स्कूपिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एंड पुट टू द कोन स्कूप का आइसक्रीम और देन डिलीवर करते हैं। तो मानिए कि हाइपोथेटिकली कि ये सारे काम करने के लिए टाइम जाता है 300 seconds, ओपन द लीड, सर्च द कोन, स्कूप एंड पुट द इनटू कोन टू स्कूप्स, ये मानिए कि मेरा स्टैंडर्ड एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, एंड डिलीवर, ये मानिए कि हम स्टैंडर्डाइज करके बात करें, तो ये टाइम है 150 seconds, ठीक है। और अराइवल रेट ऑफ कस्टमर इज 250 seconds। तो कंक्लूशन क्या है, हर 250 seconds ऑन एवरेज, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन ऑन एवरेज 250 seconds में एक कस्टमर आ रहा है, तो उसका मतलब 250 seconds में एक कस्टमर आ रहा है, लेकिन आइसक्रीम वाला का आइसक्रीम देने का जो टोटल टाइम है वो है 300 seconds। तो रिजल्ट क्या होगा, क्यू, करेक्ट, क्योंकि 50 seconds का गैप है। ऑलराइट, अभी थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि, और वापस आते हैं इसका डेफिनेशन में, लीड टाइम हम लोग किसको कहते हैं, पहले इसको समझते हैं, देन विल कम बैक, बट वन थिंग वी हैव अंडरस्टूड कि वो एग्जांपल में क्यों होगा। लीड टाइम क्या है, लीड टाइम इज द साइकिल टाइम प्लस द एडिशनल अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स for production to begin and the time it takes to deliver the finished product। उसका मतलब क्या हो गया, लास्ट एग्जाम्पल में हमें पहले रिक्वायरमेंट को समझने के लिए टाइम जाता है, फिर आइसक्रीम कोन में रेडी करके हम लोग बच्चों को फिर बुलाते हैं, पता नहीं वो कहाँ है, शायद गप सप कर रहे हैं, उसको बुला के हैंड ओवर करते, मतलब मेन जो साइकिल टाइम है हमारा सर्चिंग वगैरह मिला के 150 seconds। लेकिन ये दोनों एक्टिविटी, मतलब समझने के लिए जो टाइम है और डिलीवरी करने के जो टाइम है, ये भी मिला के 300 seconds होता है। तो 300 seconds वी विल कॉल एज लीड टाइम ऑफ द प्रोसेस, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, बिगिनिंग द प्रोसेस, कंप्लीटिंग द प्रोसेस। The easiest way to understand the differences between the cycle time and the lead time is that cycle time is a subset or part of the total lead time। जैसे मैंने इधर बताया आपको कि पहले तो आइसक्रीम का वो रिक्वायरमेंट समझा, तब उनका साइकिल शुरू नहीं होता है, उनका साइकिल शुरू होता है कहां से, ढक्कन खोलने के साथ साथ, ढक्कन खोलते हैं और उसके बाद वो आइसक्रीम कोन को चूज करते हैं, आइसक्रीम का स्कूप लेते हैं, कोन के अंदर डालते हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द साइकिल टाइम। साइकिल टाइम ओनली मेजर्स द प्रोडक्शन रेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, व्हाइल लीड टाइम इंक्लूड्स ऑल ऑपरेशनल प्रोसेसेस लीडिंग अप टू एंड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट लीड टाइम के अंदर आपका जो परचेज ऑर्डर आता है, वो परचेज ऑर्डर क्लियर होगा, परचेज ऑर्डर को समझना होगा, कब डिलीवरी होगा उसके लिए प्लानिंग होगा,
फिर जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है प्रोडक्शन साइकिल टाइम स्टार्ट्स तब। बट फॉर द कस्टमर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो लीड टाइम क्या है, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर टोटल टाइम, क्योंकि उनका लीड टाइम के हिसाब से उनको इन्वेंटरी प्लानिंग करना है, प्रोडक्शन प्लानिंग करना है। एंड सेम थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सप्लाई लीड टाइम। लीड टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, व्हेयर साइकिल टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंटरनल प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Now we will go into a little more depth terminological. Cycle time एक line में क्या होता है, line में cycle time क्या होता है, जो line continuous line है, it is the time it takes to complete one item. इसका मतलब क्या है, this includes time spent producing the item and the waiting stages amount of time the task is left waiting on the line. मानी कि एक आइटम जा रहा है मशीन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जा रहा है, तो 1 to 2 के बीच में उनको रुकना पड़ रहा है, तो ये वेटिंग टाइम भी पार्ट ऑफ दिस साइकिल टाइम, इसको आप निकल नहीं सकते हो। ये नॉन वैल्यू एडेड टाइम ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ द साइकिल टाइम। Two numbers are needed to calculate the cycle time. The total X number of goods produced and the total time it took to produce the X number of goods. So, उसका ratio से आपको average cycle time per item मिल जाएगा। एक है numerator में जाएगा total time, denominator में जाएगा total number of goods यानी X. Cycle time only measures the production rate of the line. Cycle time is measured from the internal process point of view, jo main pehle bola tha. Cycle time of an operation is the time it takes to complete the given operation from last piece to the next piece production. This is the definition of the cycle time in an ongoing manufacturing process. Let us now try to see it डायग्राम। तो मानी कि ये लाइन जो है आपके सामने, ये है कस्टमर का ऑर्डर रिसीप्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और देयर इज ए वेटिंग टाइम बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स। कई रीजन हो सकता है, मे बी डिजाइनर्स आर इन्वॉल्व टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल डिजाइन चेंजेस, मे बी न्यू डिजाइन ऑल्सो, मे बी सप्लायर का प्रोसेस को डिफाइन करना है, सप्लायर सिलेक्शन करना है, So, सारे है, मे बी प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, कई लोगों का प्रोजेक्ट केस में ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है ये टाइम। फिर ये लाइन दिखाता है आपको प्रोडक्शन कब शुरू हुआ, ठीक है, तो प्रोजेक्ट केस में ये डेज में होगा, मैन्युफैक्चरिंग केस में कुछ केस में हो सकता है डेज में, कुछ केस में हो सकता है आवर्स में। प्रोडक्शन स्टार्ट, फिर प्रोसेस टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम, अगर इंस्पेक्शन है तो, मूवमेंट टाइम, ट्रांसपोर्टेशन है तो, क्यूइंग टाइम इकट्ठा होता है, पर्टिकुलरली बैच प्रोसेस होगा तो इकट्ठा तो होगा ही। एंड देन वेट टाइम, इट इज द सेकंड वेट टाइम बिफोर द शिपमेंट हैपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग थ्रूपुट, हम लोग अभी एक और एक टर्म ऐड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग थ्रूपुट टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, ओके, दोनों एक ही है, मैन्युफैक्चरिंग थ्रूपुट, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। है ये वेटिंग टाइम को निकलने के बाद, ये वेटिंग टाइम 1 बिफोर द प्रोडक्शन, ये वेटिंग टाइम 2 बिफोर द शिपमेंट, ये दोनों को निकलने के बाद जो रहता है आफ्टर द प्रोडक्शन जस्ट कमेंसेस टू द एंड ऑफ द प्रोडक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग थ्रूपुट साइकिल टाइम। और मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम और डिलीवरी साइकिल टाइम होता है ये पूरा, यू कैन कॉल इट डिलीवरी साइकिल टाइम और यू कैन कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दैट। सो थ्रूपुट टाइम इज इक्वल टू, और साइकिल टाइम इज इक्वल टू प्रोसेस टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम प्लस मूवमेंट टाइम प्लस क्यूइंग टाइम। वैल्यू एडेड टाइम क्या है, ओनली प्रोसेस टाइम।
only process that is operational time. Okay. Non-manipulated time क्या है? Wait time one, wait time two, plus movement time here, queuing time. Okay, maybe inspection time also. Because if you are able to produce right the first time, you it can be treated as a also the non-value-added time. But again, non-value-added time, some of the non-value-added, you can classify it necessary non-value-added under the given condition. And kuch non-value-added are avoidable non-value-added, jo ki hum log dekhenge analysis. I think I have just covered a very crucial and important terminology, which is important for analysis of throughput time, the definition part. Please remember this definition. Now, I am going to define and take you through what is called the takt time. हम लोग पहले भी takt time के बारे में बात किया. Takt time is the pace, is the rate, it is the heartbeat. Heartbeat किसके एंगल से? Heartbeat from the angle of customer. तो कैसे takt time को निकाला जाता है? Takt time is the pace of production needed to meet the customer demand. So how do you calculate? Simple है. आपके पास सभी planned, you know, non-available time, unavailable time, उसको निकाल लीजिए. और ऑपरेशन के लिए कितना टाइम रह जाता है उसको रखिए. वी कॉल इट नेट अवेलेबल टाइम. समझ रहे में आ रहा है अभी क्यों वही लॉस वगैरह का डिस्कशन पहले इतना जरूरी था? क्रोनोलॉजिकली टॉपिक को ऐसे छाजा गया था ताकि एट दिस स्टेज जहां पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, विदाउट दैट बैकग्राउंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. एसएमईडी क्यों यू नो डिस्कशन किया गया था, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो नेट अवेलेबल टाइम टू वर्क divided by customer demand in numbers. तो क्या मिल जाएगा अगर net available time to work in minutes या तो seconds है? तो customer का expectation जो है वो है कितने time में मेरा एक product on average मुझे बाहर चाहिए with all your losses included. Okay? उसको लेने के बाद, क्योंकि customer के पास वो loss वगैरह customer का जानकारी नहीं है, customer देखेंगे कि मेरा इतना product है, आपके पास इतना time है. On average, despite your losses, I want this many number of products every day. Example क्या है? दो shift, माने कि 7.5 घंटे का, हर घंटे में 60 minutes हैं, और मुझे 145 piece चाहिए. Takt होता है 6.2 minutes per piece on average. और उसके against में अगर मेरा cycle, operation cycle में cutting है, welding है, drilling है, असेंबली है, मैं बार चार्ट को रेफर कर रहा हूं अभी, और पेंटिंग है, मैं सबका साइकिल टाइम प्लॉट किया और मैं इधर देख रहा हूं कि मेरा ये जो वेल्डिंग का हिस्सा है वो बाहर का जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि बाकी सारे का तो साइकिल टाइम कम है तो वेल्डिंग से क्या होता है? नो, दिस इज बॉटलनेक. ये ही आपका पेसमेकर हो जाएगा. ये वेल्डिंग का जो स्पीड रहेगा पूरा के पूरा सारे ऑपरेशन स्टेजेस जो सब्सिक्वेंट स्टेजेस है वो भी इसी हिसाब से चलेगा साइकिल टाइम. तो अगर आप इसको डी बॉटलनेक नहीं करते हो बाय हैविंग ए पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल मशीन और सम सच थिंग, बाय कटिंग डाउन ऑन द साइकिल टाइम इटसेल्फ, यू विल बी हैविंग ए बिग प्रॉब्लम. तो देखिए इन लोग क्या किया है. तो इसमें इन लोग जो वेल्डिंग का हिस्सा है वो वेल्डिंग और कटिंग एंड वेल्डिंग ये इधर एक साथ कुछ ऑपरेशन के लिए किया गया है, और इधर हम ड्रिलिंग और ड्रिलिंग के साथ असेंबली, कुछ असेंबली इधर किया गया है, और इधर असेंबली एंड पेंटिंग कुछ हिस्सा तक किया गया है. तो कैसे किया उन लोग, कैसे ये काउंटर मेजर पॉसिबल हुआ, वी विल अंडरस्टैंड दैट लेटर ऑन. May not be this example, but some other example. But somehow all the cycle time now are below the takt time. So theoretically, we can say that this particular product, for which operation is, we are now making sure that
कि इसका जो साइकिल टाइम है दे आर ऑल लेस देन टैक टाइम, सो थियोरिटिकली हम लोग कस्टमर का डिमांड जो है वो मीट कर सकते हैं।